अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल शाहिद खान बलोच। आज क्या ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पे आज आपको हम शिकार होता हुआ दिखाएंगे, बट हमारी किस्मत अच्छी हुई तब। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। सबसे पहले आप ये देखें, ये है धागा जिसको काटा जा रहा है, जो तो फिलहाल हमसे कट नहीं रहा, ठीक है। उसके साथ हमने बनाई है जी ये एक मछली पकड़ने वाली कुंडी, ठीक है जी। और हम आए हुए हैं अपने घर के करीब एक नहर के ऊपर, और ये मेरे साथ तीनों मेरे कज़न और दो मेरे कज़न और एक मेरा भाई, हम आए हुए हैं नहर पे मछली पकड़ने। तो आपको हम नहर का विजिट कराते हैं। ये है जी नहर, और इन्होंने मुझसे कहा था कि नहर के ऊपर जो है वो मछली पकड़ी जाती है कुंडी के ज़रिए, तो मैंने कहा चलो मुझे भी दिखाओ आज। तो ये है नहर हमारी, और हम यहाँ आज करेंगे मछली का शिकार। ओहो क्या खूबसूरत मंजर है। देखें जी एक कुंडी जो है हमारी बन के तैयार है, ये इस तरह से ये पूरी, ठीक है जी, एक तैयार हो गई है यकूब भाई की, अब दूसरी तैयार हो रही है, चार। मैंने कहा मुझे भी एक बना कर दो, देखते हैं सबसे पहले आज कौन मछली पकड़ता है। यकूब भाई यहाँ से असल में मछली के कांटे में जो फंसाया जाता है ना, उसको केचुआ बोलते हैं, तो वो निकाल रहे मछली शिकारी जो होते हैं वो देखें, वो एक निकल आया, वो उसके हाथ में से खींच रहा, उसको खींच रहा है, वो रहा, ये काटता नहीं है हाथ पे नहीं, नहीं? नहीं। चलें जी, वो उसने एक निकाल लिया, ये अपनी कुंडी में लगा रहा है। एक कुंडी के अंदर एक लगाया जाता है, एक एक बिल्कुल। ये जी याकूब भाई ने ऊपर एक डंडी बांध रखी है और इसमें लगा दिया है केचुआ, ये केचुआ इसमें लग गया। अब जी इसको नहर में डालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। याकूब भाई अपनी कुंडी उतारने वाले हैं नहर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंडी जा रही है जी, जा रही है। अच्छा ये ऐसे चलती रहेगी हैं? नहीं यार, ऐसे तो फिर सारा दिन ऐसे गुजर जाए, तुम भागते रहो आगे पीछे, ठहरे हुए पानी में डालो ना। अब हर किसी का जो है वो अपना अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से डालूंगा। ये भाई जो चलते हुए पानी में डाल के जा रहे हैं, और जाहिद भाई वो अपने तरीके से जाल डालेंगे, और हमारे कज़न अरशद भाई वो जो है वो भी अपने तरीके से। अच्छा जी मैंने भी अपनी कुंडी रेडी कर ली है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी कुंडी, इसमें मैंने केचुआ भी लगा दिया, ये रहा। उन्होंने एक एक केचुए लगाए, मैंने दो तीन लगा दिए एक साथ, देखते हैं क्या बनता है। तो लेट्स सी, इसमें मैं डालता हूँ अपनी जगह पे, कहाँ डालनी है, मैंने डालना है उस जगह के ऊपर। दुआ करना सबसे पहले मैं एक मछली पकड़ूं, चाहे वो एक छोटी सी पिद्दी सी मछली क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले मैंने पकड़नी है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंडी जी हमने डाल दी है अंदर। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स कोई नहीं मिल रहा, आगे कहाँ जा रही हो, इधर आओ ना, वहां भाग जाती है साइड पे।
ऊपर से धूप भी तेज है और हम मछली, ये देखें पानी कैसे जा रहा है अंदर। यहाँ से एक नाला है नीचे की तरफ, गई 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 गई, फंस गई। मेरी कुंडी अंदर जाने लगी थी। मैंने जो है ना नहर में कुंडी डाली, ठीक है, नहर में कुंडी डाल के 2 मिनट वहाँ पे रुका हूँ। ऐसी गर्मी है, ऐसा ऊपर से धूप पड़ रही है ना, मैं तो कुंडी छोड़ के वहाँ वापस आ गया। और मेरा मेन मकसद पता है यहाँ आने का मछली पकड़ना नहीं था, ये मेरे एक बचपन का ट्यूबवेल है, हमारे यहाँ तो लगी हुई है ना छोटे छोटे से बोर जिसपे पानी निकलता है, ये बेसिकली ट्यूबवेल है जो सरकारी हुआ करते थे पहले, और इनको जो है फिर उन्होंने बेच दिया, सरकार ने ही हाँ आई थिंक बेच दिया, जो यहाँ के बड़े ज़िम्मेदार हैं फिर उन्होंने ख़रीद लिया और इसका बिल पे करते हैं जो भी आता है महाना, बाकी पानी अपनी ज़मीनों में वो लगाते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लाया था, क्योंकि जब हमारा बचपन हुआ करता था तो हमारे गांव आस पास ही है हमारा गांव, तो हमारे गांव में जो है ये छोटे ट्यूबवेल और ये जो डिग्गी वगैरह लगा के पानी निकालते तो उस टाइम पे ही वो वहाँ यहाँ नहीं हुआ करते थे, या तो हम इस नहर में नहाने के लिए आते थे और या फिर हम इसी ट्यूबवेल के ऊपर नहाने के लिए आते थे। तो मैं आज सिर्फ आपको ये इनके बहाने ये ट्यूबवेल ही दिखाने के लिए लाया था। तो हमारा जो ट्यूबवेल था वो कल बन रहा था, वो भी हमारा ट्यूबवेल जो है डिग्गी जो है मतलब वो बन चुकी है, वहाँ पे पैसे वगैरह लगा के हमने वो रेडी करा दिया था। कल गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने नहीं दिखाया, अभी मैं जाते में आपको इंशाल्लाह उसका व्यू दिखाता हुआ जाऊँगा कि माशाल्लाह से वो तैयार हो गया। तो पहले ये आप देख लें कि ये हमारा ट्यूबवेल कैसा हुआ करता था। अब इसमें झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं थोड़ी सी, पहले ये बिल्कुल क्लीन था और ग्रीन ग्रीन घास थी इधर सब, अभी ये पौधे वगैरह लग गए और पहले ये पौधे भी नहीं हुआ करते थे, जो आम के पेड़ और ये मेरे पीछे देख रहे हैं। तो लेट्स सी आपको ये दिखाते हैं, ये है जी हमारा वो ट्यूबवेल। पहले इसके साथ में आप ये शीशम के पौधे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, यहाँ पूरा यहाँ इस जगह पे पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ करता था, इस जगह पे भी पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ करता था। तो वक्त के साथ साथ मौसम बदलता है और फिर झाड़ियाँ भी उगाई हैं यहाँ पे। मैं आपको इसकी मोटर दिखाता हूँ कितनी बड़ी मोटर है, ये ट्यूबवेल हुआ करता था, हम यहाँ नहाया करते थे जी पहले आके, ये इसके अंदर काफ़ी गहरा है, तकरीबन 4 फीट 5 फीट का गहरा है ये। ये यहाँ पहले रिहाइश हुआ करती थी इन कमरों के अंदर, लेकिन अब उजाड़ हुए पड़े। ये है जी इसकी मोटर, टरबाइन लगी हुई है बड़ी और ये चलती है बिजली के ऊपर। ये जी कुछ यहाँ का व्यू है इस तरह का, हाँ जी मच्छेरो 2 हाल मछलियां पकड़ ली। दरिया पे चलते हैं, दरिया पे अभी नहर से मछलियां पकड़ी नहीं जा रही हैं इनकी, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि पंजनद हमारे यहाँ यहाँ से करीब है, जो इस नहर से तकरीबन 3-4 कुनी बड़ी होती है पंजनद, ये कह रहे हैं हम वहाँ जाएंगे। मैंने बोला यहाँ पकड़ी नहीं जा रही है तुमसे, तुम वहाँ जाके क्या करोगे इतनी गर्मी में, आगे चलते हैं। मैंने कहा साये पे किसी जगह पे तुम लोगों को वहाँ बिठाते हैं, साये में मछलियाँ भी आराम कर रही होंगी और उसका तो वहाँ शिकार करना साये वाली जगह पे, यहाँ धूप है तो धूप में मछलियाँ सामने नहीं आ रही हैं। तो अभी से चलते हैं आगे साये वाली जगह पे, इस नहर के बिल्कुल साथ साथ आगे से ना।
रोड है तो आगे चलते हैं फिर। अच्छा ये देखें, ये ट्यूबवेल होता है, छोटी वाली जो डिग्गी पे चलने वाली होती है ना, वो ये बोर है, और वो बड़ा जो है वो ट्यूबवेल है। ये तीन हो और वो एक हो, इतना बराबर पानी खींच, वो पानी ज़्यादा निकालता है, ये तीन के बराबर एक है वो। मज़े की बात है, यहाँ पे जो है ना एक लसूड़े का पेड़ भी है, वो बहुत बड़ा है। ये देखें आप, ये है जी लसूड़े का पेड़। बदकिस्मती से इसके ऊपर अभी लगे हुए नहीं है, वरना उतारते और हम डालते लसूड़े का अचार, बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। ये है पेड़ लसूड़े का, यहाँ इसकी कंडीशन बता रही है, जब इस पे लगते होंगे तो बहुत ज़्यादा होते होंगे क्योंकि घना दरख्त है। और इसके साथ देखें आप, एक तरफ बह रहा है बिल्कुल वाइट पानी और दूसरी तरफ देखें कितना गदला पानी है। ये जा रहा है हमारे खेतों में, ये है नहर का पानी और ये जो है ये आ रहा है, ये वाला पानी जो है ये उस ट्यूबवेल से आ रहा है। वो देखो पानी पीने के लिए बैठे हुए, पानी ये बैठे हुए ये। मेरा कज़न बोल रहा है, कह रहा है धूप में मछलियां बाहर नहीं निकलती है। मैंने बोला यार पानी में भी धूप महसूस होती है, हम इंसान हैं, हम खुश्की पे रह रहे हैं तो चलो हमें अंदाज़ा है कि यार हमें धूप महसूस होती है और हमें गर्मी भी लगती है, लेकिन पानी के अंदर मछलियों को मैंने कहा वो तो ठंडा पानी होता है उसमें क्या, कहता है नहीं नहीं ऐसा फ़र्क पड़ता है, साय में चलते हैं ना तो वहाँ मछलियाँ होंगी। मैंने कहा चाहिए साय में चल के मछलियाँ पकड़ते हंसाने वाली बातें करता है वो बेटा, बचे को भाग भाग क्या है सबसे आगे के मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने, मछली पकड़ने। इतनी गर्मी है यहाँ के, सबकी हवा ठुस हो गई है एकदम।